हम तुमको नहीं भूले। सानहा चेरिंग क्रॉस को 2 साल बीत गए। लाहौर न्यूज का पुलिस के बहादुर सपूतों को सलाम। कैप्टन सैयद अहमद मुबीन शहीद समेत जान का नजराना पेश करने वाले 7 पुलिस अहलकारों को खराज अकीदत। सीटीओ लियाकत अली मलिक की कवेलरी ग्राउंड में शहीद अहमद मुबीन की कब्र पर हाजिरी। फूलों की चादर चढ़ाई, फातेखानी भी की। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। अहमद मुबीन की वालिदा की भी शहीद बेटे की कब्र पर हाजिरी, दुआ मांगी। शहीद के अजीज वकारब की भी हाजिरी। सानहा मॉल रोड की याद में आज भी आंखें पुरनम है। हम अपने शहदा को भूले नहीं, मुल्क और कौम के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे। आवाम को चौक में खड़े अहलकारों की इज्जत करना होगी। सीटीओ लियाकत अली मलिक की शहीद अहमद मुबीन की कब्र पर हाजिरी के मौका पर गुफ्तगू। हाई कोर्ट का अहम फैसला, पीआईए को खातून पायलट की भर्ती का अमल जारी रखने का हुक्म दे दिया। पायलट्स भर्ती करने के लिए खवातीन कोटा नज़रअंदाज करने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील। अदालत ने आइंदा समाअत पर फरीकैन के वकला को दलाइल के लिए तलब कर लिया। स्पीकर, डेप्टी स्पीकर और ना कायम मुकाम स्पीकर, पंजाब असेंबली अपने सरबराह से महरूम। तारीख में पहली बार पंजाब असेंबली में कोई कायम मुकाम स्पीकर नहीं। डेप्टी स्पीकर का कायम मुकाम गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन जारी। पंजाब असेंबली का आइंदा इजलास 18 फरवरी को बुलाए जाने का इम्कान। हमजा शहबाज नैब के साथ तफ्तीश में मुकम्मल तआवुन कर रहे हैं। नाम ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए। हाई कोर्ट में दरख्वास्त पर समाअत। वफाकी हुकूमत के वकील ने जवाब के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने 7 मार्च को जवाब जमा करवाने का हुक्म दे दिया। नाजायज असासाजात केस अहद चीमा एहतसाब अदालत में पेश। अहद चीमा पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। गुज़िश्ता समाअत पर मुलजिम को रेफरेंस की साफ कॉपियां फराहम की गई। अदालत ने आज बयानात कलमबंद करवाने के लिए गवाहों को तलब कर रखा है। मांगा मंडी में डाकू बेलगाम। दिन दिहाड़े डकैती मजाहमत पर 18 साल लड़की समिया कत्ल। डाकू फायरिंग करते हुए फरार। पुलिस ने लाश तहवील में लेकर मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। एलडीए का सब्जाजार, समनाबाद और मुल्तान रोड पर ऑपरेशन। गैर कानूनी तामीर, 6 इमारतें मिसमार। बगैर नक्शा तामीर में कमर्शियल सरगर्मियां जारी थी। एलडीए